हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पहुंचा हूं चंडीगढ़ और हम देखने आ गए हैं नेक चंद जी का बनाया हुआ रॉक गार्डन। अब हम इसकी भूल भुलैया में जाके देखेंगे और अंदर जाकर के देखेंगे कि अंदर जो पपेट्स हैं, जो डॉल म्यूजियम है, वो कैसा है। और यहां हमें कुछ मिल गए हमारे सब्सक्राइबर जो कि यूपी और बिहार से आए हुए हैं। फिर आगे हम दिखाएंगे आपको लाफिंग मिरर्स और उसके बाद पहुंच जाएंगे हम एक्वेरियम जहां फिशेस देखेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। दोस्तों, अंदर जाने से पहले हम इसकी टाइमिंग्स बता देते हैं, टिकट का रेट बता देते हैं कि क्या है। यहाँ पर बच्चों के लिए, जो 3 से 10 साल के बच्चे, उनके लिए 10 रुपये है और एडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़। समर की टाइमिंग्स अगर हम देखें तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर का सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, और यदि आप विंटर्स में आते हैं तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो दोस्तों, इस रॉक गार्डन फैंटेसी को नेक चंद जी ने तैयार किया था, वो भी उस तरह का मटेरियल यूज़ किया जो कि वेस्ट था, कंस्ट्रक्शन साइट्स का जो वेस्ट मटेरियल है उसको इस्तेमाल किया था। और इसको 1988 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। तो साथियों, अब हम चलते हैं रॉक गार्डन की भूल भुलैया में। आप इसे देखते जाइए और आनंद लेते जाइए। मेरे साथ हैं देवेद, जो कि आपको जगह जगह दिखते रहेंगे। तो चलिए, मैं छोड़ता हूँ आपको रॉक गार्डन की खूबसूरत दीवारों को निहारते हुए। आप आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए कितना सुहाना सफ़र बन जाता है इस रॉक गार्डन का, इस भूल भुलैया में। दिव्य तो इतने खुश हैं कि वाओ पापा यहाँ से चलो, पापा वहाँ से चलो, राइट। मैं उनके बस पीछे पीछे कैमरा लेके चलता जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बीच में यहाँ आप देखते हैं कि जैसे कोई पहाड़ों पे कोई एक पुराना शहर बसा हुआ हो, उसी तरह की फीलिंग यहाँ आती है इन सारी चीज़ों को देख करके। तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, उन्हें एहसास हो जाएगा कि पहाड़ों पर, किलों पर किस तरह से घर और इमारतें बनाए जाते थे। दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हम कहीं किसी पुरानी घाटी में, वैली में आ गए हों, जहाँ दोनों तरफ किले बने हों, उसके बीच में से हम गुजर रहे हों। तो बड़ी कमाल की फीलिंग आती है सर यहाँ तो।
यहाँ चारों तरफ की आकृतियाँ कभी तो रोम के कोलोजियम की याद दिलाती हैं, तो कभी लगता है कि भारत के पुरानी इमारतें पुराने किलों के बीच में हम आके खड़े हुए हैं। यहाँ जो भी आकृतियाँ बनाई गई हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिनसे हमारा सामना होता, हमारे पालतू पशु, कुछ जंगली पशु और मनुष्यों की आकृतियाँ बनाई गई हैं, और वो अलग अलग घटनाओं की, जब हम साथ में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कहीं सभा चल रही है, तो बिल्कुल सब इसी तरह का बनाया हुआ है। तो आप जब जाएंगे तो बिल्कुल आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे, अरे ये तो हमारे जीवन की ही सारी घटनाएँ हैं। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है कभी ऊपर चढ़ो कभी नीचे चढ़ो, उतरते चढ़ते आपको आराम के लिए बैठना ही पड़ता है, इतना थक जाते हैं, लेकिन रोमांच और आनंद की अनुभूति इतनी ज़्यादा होती है कि आप ज़्यादा देर एक जगह टिक ही नहीं पाते, लगता है अरे चलो कुछ रह ना जाए, चलें अगली घाटी में उतरें, चलें देखें आगे क्या है। दोस्तों यहाँ हमें मिल गए गौरव राणा और शीनू शिवानी, ये दोनों ही पंचकुला के ब्लॉगर हैं, आपको जो सामने दिख रहे हैं दोनों युवक और युवती, ये हैं शिवानी शीनू और ये जो रेड बैग टांगे हुए ये हैं गौरव राणा। आप जो ये सामने देख रहे हैं तीन मंजिला इमारत है, और यहाँ पे पेड़ का जो डिजाइन बनाया है ये भी सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाया गया है। डेविड तो इस जगह को देख के कहता है क्या पापा हम वॉल ऑफ चाइना, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बीच में आ गए हैं। अब हम बच्चों के सबसे फेवरेट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, एक्वेरियम, जहां पे अलग अलग तरह की फिशेस मिलती हैं जिन्हें बच्चे देखते हैं और बस प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिलखिलाते हैं। देखिए बच्चे तो छोड़िए बड़े भी मछलियों को देखने के मुँह से बच नहीं पा रहे, राइट, और मैं भी उनमें से हूँ। और अगला आकर्षण है लाफिंग मिरर्स, चलिए मैजिकल मिरर्स को देखते हैं और कुछ गुदगुदाते हैं। अब हम रॉक गार्डन के हमारे लास्ट डेस्टिनेशन डॉल म्यूजियम में अंदर एंट्री ले रहे हैं, चलिए आपको एक एक डॉल्स दिखाते हैं कि किस तरह से डॉल्स बनाई गई हैं, और वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाने वाले सारे वहां सीन्स बनाए गए, चलिए आप भी देखते जाइए। दोस्तों जब हम देखने पहुंचे पपेट को, जब हम डॉल म्यूजियम देख रहे थे, और ये हमें मिल गए हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भाई जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं, वे भी रॉक गार्डन देखने आए, और क्या इत्तेफाक है कि यहाँ वे हमें मिल गए। तो दोस्तों ये बहुत बेसब्री से इन्होंने कहा कि अब वो इंतज़ार करेंगे इस वीडियो का, तो चलिए अब आपके सामने ये वीडियो आ गया। दोस्तों इसे फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी भेजते रहिएगा। दोस्तों यहाँ जो डॉल्स बनाई गई हैं
उनको उनके साथ जो रंगों का इस्तेमाल किया गया उनको बनाने में, जिस तरह की लाइटिंग की व्यवस्था की गई यहाँ पे, और रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए जो हमारे पहलू हैं उनको दर्शाया गया है, तो इतनी कमाल की प्रस्तुति है कि बड़ा मन को मोहते हैं। आप यहाँ घंटों खड़े रहिए, आप बोर नहीं हो सकते हैं, और आप अपने बच्चों को एक एक चीज़ बता सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से जीवन होता था, वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। डॉल म्यूजियम से बाहर आने के बाद फिर देवेद पहुंच गए झूला झूलने के लिए, तो वो यहाँ पे झूले का आनंद ले रहे हैं। और सिर्फ देवेद ही क्यों, यहाँ जितने लोग भी पर्यटक आते हैं सभी यहाँ एक बार बैठ के झूले का आनंद तो जरूर लेते हैं। तो जब आप जाएं तो आपने भी मिस नहीं करना, यहाँ जरूर जाना है। अब हमारी बाहर जाने की बारी है, और जब हम बाहर जा रहे थे तो हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखा, अरे हम तो लगता किसी सभा में आ गए हैं। देखिए आपके सामने जंगल के अलग अलग जानवर हैं, और ऐसा लगता है कि वो सभी एक सभा में हैं, और यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं कि अरे इंसानों, तुम यहाँ टहलने आए थे हमें देखने या हम तुम्हें देख रहे हैं? क्यों, ये देखिए बैंगल्स के जो पिकॉक्स बनाए हैं टूटी हुई चूड़ियों के, ये तो इतने कमाल के दिव्य, तो देखते ही रह गया इनको कि वाओ कमाल है। और कहता मैं घर जाकर के भी इसी तरह की कोशिशें करूँगा। वाओ ग्रेट ग्रेट, बहुत खूब। दोस्तों हमारे रॉक गार्डन की ट्रिप अब समाप्त होती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लगातार हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।